Hello, Reiki angels, and thank you, Puran sir, for scaling my life, for being in my life and telling me how to practice distance Reiki. I'm back again with another episode of my distance healing experiences. Distance healing का मतलब है कि आप time और space दोनों को खत्म कर देते हैं, जो कि मेरे belief system पे काम नहीं करता था और मुझे लगता था ऐसा संभव नहीं है. बट स्टिल मैंने सबसे पहले जो मैंने प्रैक्टिस की डिस्टेंस हीलिंग अपनी मम्मी पे प्रैक्टिस करी एंड शी इज अ पेशेंट ऑफ साटिका पेन. पिछले 4-5 साल से उनके पैरों में बहुत दर्द होता है, यू नो साटिका पेन में पूरा लोअर बैक से लेकर के पूरा नीचे तक पैरों तक बहुत दर्द जाता है और मम्मी हमेशा दवा खा के ही उनको राहत मिलती थी. दवा भी क्या, पेन किलर होता था जो थोड़ी बहुत देर के उनको राहत देता था और फिर पेन वापस आ जाता था. मम्मी ने फिजियोथेरेपी भी कराई, होम्योपैथिक भी सब कुछ किया, लेकिन उनको इतना आराम नहीं मिला. मैंने बगैर मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी से कि मतलब ठीक है मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, देखिए आपको पेन में राहत मिलता है कि नहीं मिलता है. और मैंने पहले दिन क्या तो मम्मी को लगा कि हाँ कुछ कुछ आराम है, लेकिन फिर भी चलो खा लेते हैं पेन किलर. तो मम्मी ने खा लिया. सेकेंड डे भी उन्होंने पेन किलर खा लिया, लेकिन थर्ड डे उन्होंने पेन किलर नहीं खाया और उनका पेन पूरी तरह से वैनिश हो गया था 3 दिन में. मैंने उनको केवल जो है रेखी दी थी डिस्टेंस हीलिंग करके, जैसा सर ने सिखाया था, पूरा होंसा जूशो ने इसे करके कनेक्ट किया. और फिर मैंने मम्मी को रेखी देना स्टार्ट किया. पहले 12 पॉइंट्स पे रेखी दिया, उसके बाद उनके लोकलाइज्ड एरिया में मैंने रेखी दिया. इसी तरह से मेरी मदर इन लॉ को भी अर्थराइटिस है, सिवियर अर्थराइटिस है उनको, और उनके भी बैक में बहुत पेन होता है और वो लगभग रोज एक छोटी सी दवा खा के सोती हैं. उनको साथ ही न्यूरो का भी बहुत दिक्कत है, उनको नींद नहीं आती है और वो उसकी नींद की भी वो दवा खाती हैं. आधी गोली उनको खानी होती है हर रात में, तभी वो सो पाती हैं और सुबह वो कायदे से उठ पाती हैं. मैंने सासू माँ को भी रेखी दी और 12 पॉइंट्स पे मैंने हीलिंग किया. मैंने उनके सर में लोकलाइज्ड हीलिंग भी करी और मैंने उनके पैरों पर भी लोकलाइज्ड हीलिंग करी. चोकोरे से ही कि चोकोरे का सैंडविच बना करके मैंने हर एक पार्ट को हीलिंग दी. यहाँ पर हीलिंग दी, सर पे, यहाँ पे, सर जगह, जितने भी सर के पॉइंट्स हो सकते हैं उतने मैंने सर में बहुत अच्छे से हीलिंग दी और मैंने उनको पार्ट में अपने पैरों में बहुत अच्छे से हीलिंग दी. और हर बार मैंने चोकोरे से मैंने उसको चार्ज किया और फिर मैंने उसको हीलिंग दी. वही 20 मिनट्स का शेड्यूल था, वही मैं 20 मिनट्स हीलिंग देती थी. और मेरी मदर इन लॉ को भी बहुत फायदा हुआ और अब वो जो है ना पेन किलर खाती हैं दवा की, बल्कि वो मुझे फोन कर देती है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है. उनके पेन पूरी तरह से भी गया नहीं है क्योंकि सिवियर अर्थराइटिस है उन्हें, तो पूरी तरह से उनका पेन अभी क्योर नहीं हुआ है. लेकिन हाँ ये है, जब उनको पेन होता है तो वो मुझे फोन कर देती है और मैं उनको डिस्टेंस हीलिंग दे देती हूँ और शी फील्स ऑल राइट और उनको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. थर्ड केस था मेरे फादर का. मेरे फादर के बीपी है और उनके हार्ट प्रॉब्लम है थोड़ी सी और यूरिक एसिड अक्सर उनका बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से उनके पूरे चेहरे पे और उनके लेग्स पे बहुत सूजन रहती है. तो ये कुछ समस्या उनके साथ हमेशा चलती है. और प्लस मेरे फादर किसी से बात नहीं करते हैं, वो ये नहीं बताते उनको एग्जैक्टली कहाँ दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, और मतलब वो पता नहीं अलग टाइप के ही है. मतलब वो बिल्कुल भी किसी से कोई बात नहीं करते हैं. मैंने पापा को बगैर बताया उनको भी हीलिंग दिया एंड माई फादर, मतलब समझिए 3 दिन बाद उनका फोन आया मेरे पास कि हाँ तुमने कहा था कि तुम कुछ कर रही हो और अब ठीक है मैं आऊंगा तुम्हारे वहां, मैं तुमसे बैठ के बात भी करूंगा और मुझे आराम लग रहा है. ये बात हम लोग को भी नहीं बताती कि उनको भी रात में नींद नहीं आती है. ये पापा ने मुझे बताया कि हाँ अब उनको नींद अच्छे से आने लगी है. और वो कहते थे पहले मैं ऐसी रात में 1-2 बजे तक सोता था और फिर 1-2 घंटे में फिर उठ जाता था, फिर थोड़ा सो लेता था, फिर उठ जाता था. पूरे दिन मतलब नींद में और अजीब सा उनका एटमोसफेयर था. अब उन्होंने घर में ही बात करना स्टार्ट कर दिया है. एंड फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये हुई है रेकी में कि ये सब जो रिलेशंस मेरे इम्प्रूव हो रहे हैं, मेरे रिलेशन सबसे अच्छे थे, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर फादर, सबसे रिलेशन मेरे अच्छे हैं. लेकिन ये रिलेशंस का जो एक स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है मेरा, दैट इज रियली मतलब एक बहुत ही मतलब बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रेकी हीलिंग प्रैक्टिस है मेरा. तो ये एक बहुत बड़ा मुझे अचीवमेंट दिख रहा है अपनी लाइफ का कि मेरे जो रिलेशन अच्छे थे वो और बहुत ज्यादा अच्छे और स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं रिलेशन मेरे, जिसके लिए मैं एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई हीलिंग कर रही हूँ रिलेशंस के लिए, ना कुछ कर रही हूँ. लेकिन मेरे रिलेशंस और बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल बनते जा रहे हैं. इसके बाद जो मेरा हीलिंग एक्सपीरियंस था, दैट वाज, मैंने कहा चलो ये सब लोग तो मेरे आसपास रहते हैं, मैंने उनको हीलिंग दी. मेरे जो ब्रदर इन लॉ है और मेरी जो सिस्टर है, दे बोथ आर मैरिड टुगेदर एंड दे आर स्टेइंग इन पुणे, दैट इज 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम लखनऊ. और अभी भी मेरा बिलीफ सिस्टम पूरी तरह से ये नहीं बैठा था कि मतलब 1500 किलोमीटर्स तक मेरी हीलिंग पहुंच पाएगी. सर ने कहा, सबने कहा, बातें भी सुनी, सब कुछ है, लेकिन जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है.
तो मैंने अपने सबसे पहले ब्रदर इन लॉ को हीलिंग दी, उसकी नेक में यहाँ पे स्ट्रेन आ गया था, उसका पैर ऊपर नीचे कहीं पड़ गया था, तो यहाँ पे बहुत तेज उसको दर्द हो रहा था कि वो गर्दन अपनी ऐसे करके घुमा भी नहीं पा रहा था। और सिर्फ मैंने उसको 5 मिनट्स की लोकल एरिया में मैंने केवल हीलिंग की थी, मैंने पूरे 12 पॉइंट की हीलिंग नहीं की थी। मैंने केवल उसको दर्द इतना ज्यादा हो रहा था कि मेरे सिस्टर ने कहा कि तुम रेकी वगैरह सीख रही हो तो एक बार करके देख लो, क्योंकि वैसे तो दवा उसने दवा फिर खाएगा नहीं तो फिर वो। तो मैंने कहा ठीक है हमें 5 मिनट्स मुझे दो, नहीं तो अगर नहीं होता तो फिर तुम दवा खा लेना। एंड द पेन कम्प्लीटली वैनिश्ड। और वो इतना हंस हंस के बता रहा था कि ये पता नहीं क्या है, एकदम जादू है, क्या है, कैसे है। और क्या था, अब मुझे लग रहा है कि शायद वो दर्द था कि नहीं था। एंड इट वॉज सो ग्रेट एंड इट वॉज सो मैजिकल कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मेरे सिस्टर को हमेशा हमेशा उसको पीरियड्स में दर्द होता है, उसके पूरा मतलब पूरा उसका मतलब क्रैम्पिंग बहुत होती है और लोअर बैक में बहुत दर्द होता है उसके, मतलब बहुत उसको दर्द रहता है, बहुत ही मतलब असहज हो जाती है अगर, क्योंकि वो बैंक में है, छुट्टी ज़्यादा मिलती नहीं है, तो शी हैज टू टेक पेन किलर्स एंड गो टू ऑफिस। तो उसमें उसने क्या, मैंने उसको हीलिंग दी और मैंने केवल उसको मतलब पीरियड से फर्स्ट डे पे मैंने 3 टाइम उसको हीलिंग किया, 5 मिनट से केवल लोकल एरिया पर मैंने हीलिंग किया। एंड उसने कहा कि यार मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मतलब शायद जब से आई स्टार्टेड विद दिस पीरियड्स एंड ऑल दैट, आज मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं इतना हल्का महसूस कर रही हूँ, इतना मुझे अच्छा फील हो रहा है कि आई जस्ट कांट, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। और बगैर दवा के मैं आराम से ऑफिस गई, पूरा दिन मैंने काम किया और पूरा अच्छे से मेरा सब कुछ हुआ। शायद मेरे पास वो दर्द ऐसा था, मेरे पास कभी वो दर्द था ही नहीं। सो ये मेरे लिए बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। इसके बाद सर ने वीडियो में बताया था कि होमशा जी सोने से आप फ्यूचर इवेंट्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बिल्कुल डांस नहीं करती हूँ, मुझे डांस नहीं करना आता, तो मेरी इच्छा है कि मेरी डॉटर अच्छा डांस करे। मतलब इवन इफ शी इज नॉट गोइंग टू बिकम अ वेरी गुड डांसर, बट कम से कम जब कोई उसे डांस करने को कहे तो वो एक टेंशन उसके दिमाग में ना आए। तो मैं उसको डांस सिखा रही हूँ, लेकिन जब भी उसका कोई इवेंट होता है तो मुझे बहुत एंग्जाइटी और टेंशन होती है, नो मैटर हाउ शी परफॉर्म्स। इस बार भी उसका इवेंट था और मतलब डांस का कॉम्पिटिशन था, एग्जामिनेशन था, दोनों इवेंट्स है साथ में उसके। और मैंने उस इवेंट को मतलब होमशा जी सोने से कनेक्ट किया, पूरा मैंने विजुलाइज किया उस इवेंट को कि कैसे कैसे मतलब मेरी डॉटर परफॉर्म कर रही है, फिर वहां से कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, एग्जामिनर्स ने जो क्वेश्चंस पूछे उससे वो सारे उसने आंसर दिए। मतलब मैंने पूरा इवेंट मैंने विजुलाइज कर लिया। मैंने 3-4 दिन तक ये विजुलाइजेशन किया, पूरा कनेक्शन किया, रेखी दी उस पूरे इवेंट को। एंड द रिजल्ट वाज मैजिकल कि उसने उस मतलब कॉम्पिटिशन में वो फर्स्ट आई। एंड इट वॉज रियली वेरी दिस थिंग कि मतलब फ्यूचर इवेंट्स को भी आप रेखी दे सकते हैं। और होमशा जी सोने सच अ बिग टूल फॉर ऑल ऑफ अस इन आर लाइफ कि वो बहुत ज्यादा अच्छे से हमें मतलब बता पा रहे हैं कि मतलब कैसे जो है आप किसी भी चीज को हील कर सकते हैं। मतलब इट इज बियॉन्ड मैजिक ऑल्सो इन माई लाइफ। सो दिस थिंग इज रियली वेरी गुड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू पूरन सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिज, यू नो, द वे ही टीचेस, द वे ही टॉट अस ऑल द थिंग्स, इतने आसान तरह से और इतनी सहजता से सर ने सिखा दिया है सब कुछ। इट्स रियली वेरी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। इतने सारे इवेंट्स मेरी लाइफ में हुए और मैंने बिल्कुल वही फॉलो किया है जितना सर ने कहा था वीडियो में, जैसे वो होमशा जी सोने से बनाना है, आपको कनेक्ट करना है, फिर आपको वैसे देखना है कि आपकी मतलब नेवल से एक कॉर्ड निकल रही है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्टेप्स आप फॉलो करिए और आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने जाना कि आपका बिलीफ सिस्टम हो या ना हो, सामने वाला बिलीव करता हो या ना करता हो, लेकिन ये सिस्टम वर्क करता है। दिस सिस्टम वर्क्स एंड इट वर्क्स वेरी वेल, इट वर्क्स इन 100% केसेस एंड इट इज रियली रियली मैजिकल। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू पूरन सर वंस अगेन फॉर टीचिंग अस रेकी इन सच अ वेरी ईजी फॉर्मैट, बिकॉज इससे पहले मैंने रेकी सीखी थी एंड आई डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट। सो आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अभी भी मैं 2 इवेंट्स और मतलब 2 चीज़ों को और रेखी दे रही हूँ, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, बट स्टिल आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ब्लेस मी। सर मैं चाहती हूँ आप मुझे ब्लेस करिए कि मेरे वो 2 जो मेरे हीलिंग एक्सपीरियंसेस हैं वो भी बहुत पॉजिटिव हों, सो दैट मेरी नेक्स्ट लेवल की जर्नी और अच्छी तरह से और कॉन्फिडेंस के साथ मैं कम्प्लीट कर सकूँ। थैंक यू।